हार्ट पेशेंट्स को अक्सर ये चिंता बनी रहती है कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। सबसे पहला क्वेश्चन जो भी पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, सर क्या खाएं क्या नहीं खाएं, बता दीजिए हमें। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोज़ अवेलेबल है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। काफ़ी लोगों को कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हार्ट के प्रॉब्लम होती है, सबके लिए हमने अलग वीडियोज़ बनाए हैं। आज इन जनरल एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कौन कौन से फूड्स हार्ट पेशेंट के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से बेस्ट फूड्स हैं, कौन कौन से वर्स्ट फूड्स हैं, उनको लेना चाहिए किस फूड्स को और किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। सबसे अच्छे या बेस्ट फूड्स पेशेंट्स के लिए है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ताज़े फल सब्ज़ी ज़्यादा खाइए, इसमें फल ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सब्ज़ियों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि फल में क्या है, विटामिन मिनरल मिलते हैं इतने और आपको कार्बोहाइड्रेट या शुगर इतना ज़्यादा मिलता है, तो वो आपका वज़न बढ़ाता है, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं करता है। सब्ज़ियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा साग सब्ज़ी खाइए, अलग अलग तरह की सब्ज़ियाँ खाइए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जितने एक रेनबो का अप्रोच होता है सब्ज़ियों का, जिसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि अलग अलग तरह की सब्ज़ियाँ खानी है, कोई येलो, कोई पर्पल, कोई ग्रीन, कोई रेड, अलग अलग तरह की सब्ज़ियाँ खानी है। अलग अलग तरह की सब्ज़ी में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ़ायदा करते हैं, तो आप उसको मिक्स करके खा सकते हैं, तो आपके लिए हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। जितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएंगे उतना आपको विटामिन्स मिनरल्स भी मिलेगा, उसमें आपको फाइबर्स भी कंटेंट मिलेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी अच्छा है, वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो सबसे अच्छा है सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करिए, फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूट्स से सब्जियों को प्रेफर करें ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स लीजिए, कोई भी ग्रेन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुई हो उसे होल ग्रेन्स बोलते हैं। होल ग्रेन्स में कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें विटामिन मिनरल भी प्रिजर्व होते हैं। जैसे जैसे कोई भी फूड स्टफ को ज़्यादा प्रोसेस कर दिया जाता है, उसका विटामिन मिनरल कंटेंट कम हो जाता है, वो पेशेंट के लिए फ़ायदा करने के बदले उतना ज़्यादा बुरा करता है। इसमें ब्राउन राइस ले सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, ओट्स बहुत अच्छे माना जाता है, क्विनो या क्विनवा जो भी है ये भी काफ़ी प्रेफर्ड है, ये भी पैकेज में अवेलेबल है। आप ये सारी चीज़ों को लेते हैं तो इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है, आपके शुगर लेवल्स को भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता, वजन भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है लीन प्रोटीन्स लीजिए, जैसे कि फिश है, चिकन विदाउट स्किन ले सकते हैं या टर्की ले सकते हैं, आप प्लांट बेस्ड अगर फूड ले रहे तो लेग्यूम्स और टोफू ले सकते हैं, तो ये लेस फैट वाले या कम फैट वाले प्रोटीन के सोर्सेज है। हार्ट पेशेंट के लिए प्रोटीन को ज़्यादा अच्छा माना गया है, तो आप जितना ज़्यादा बने मात्रा में प्रोटीन खाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जितना कम फैट खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो नमक भी आपको कम लेना है, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो नमक ज़्यादा लेना है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो नमक कम लेना है। नेक्स्ट है नट्स और सीड्स ज़्यादा लीजिए, नट्स सीड्स में खासकर बादाम है, अखरोट है, वॉलनट्स, शिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट तो अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छे हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा जाते हैं और फैट्स भी ज़्यादा रहते हैं, ऑयल्स भी ज़्यादा रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में आपको एज अ स्नैक ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको खाने के बदले आप लेने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, उल्टा फ़ायदे के बदले नुकसान भी कर सकता है, वज़न को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है हेल्दी फैट्स जैसे कि ओलिव ऑयल, एवोकाडो और ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फिशेस जैसे कि सैल्मन फिश, टूना फिश, मैकरेल फिश, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स में बेसिकली हमारा लक्ष्य ये है कि अनसैचुरेटेड फैट्स को ज़्यादा ले, जितना अनसैचुरेटेड फैट्स को आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका कंपेरेटिवली वो बॉडी के फैट्स का कंटेंट को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, आपका सैचुरेटेड फैट्स को आप लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ता है, ब्लॉकेजेस का चांसेस बढ़ जाता है। अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो होते तो फैट्स ही है लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, उतने ब्लॉकेजेस को बढ़ाने में और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में उनका रोल उतना ज़्यादा नहीं होता, तो कंपेरेटिवली उतने बुरे नहीं है। हालांकि कोई भी ऑयल आप लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा ऐसा नहीं है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को छोड़ के बाकी सब ऑयल फ़ायदा करने के बदले नुकसान ही करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है थोड़ी मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको भी लेंगे तो वो उतना हेल्पफुल नहीं है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है और आपका एचडीएल लेवल्स बढ़ता है, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट का चांस थोड़ा इंप्रूव होता है। बाकी ऑयल्स में आप ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल को प्रेफर कर सकते हैं जो कि कंपेरेटिवली हेल्दी है, बाकी ऑयल्स में आप कम लें मात्रा तो ज़्यादा अच्छा है। वर्स्ट फूड्स कौन से हैं हार्ट के लिए, कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स है या प्री पैकेज फूड्स है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, जो पैकेज स्नैक्स आते हैं मार्केट में वो सारी चीज़ें हैं, जो तली गली हुई चीज़ें होती है वो ख़राब करती है, शुगर वाली बहुत सारी ड्रिंक्स जो होती है वो भी कंपेरेटिवली नुकसान करती है, शुगर वाली ड्रिंक्स में शुगर बहुत ज़्यादा होता है और जो प्री पैकेज स्नैक्स जो आते हैं इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे तल के बनाए जाते हैं, तो ये सारे कंटेंट आपके लिए नुकसान ही करेगा, जितना बने आपको इसको कम रहना है,
बंद ही करते तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी प्री पैकेट स्नैक्स और शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जितना बने कम रहे तो अच्छा है। सोडा में भी ज़्यादातर शुगर वाले ही सोडा आते हैं। विदाउट शुगर का सोडा आप लेना चाहे तो शायद ले सकते हैं, पर लेकिन अगर शुगर कंटेनिंग सोडा है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, शुगर का जो पोर्शन है वो नुकसान करेगा। नेक्स्ट है रेड मीट को अवॉइड कीजिए। रेड मीट जैसे कि बीफ, पोर्क, लैम, ये इसमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना गया है। कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट इससे बढ़ता है, हार्ट अटैक का चांसेस से बढ़ता है, तो रेड मीट को आप अवॉइड करें तो अच्छा है। कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसमें सोडियम कंटेंट जैसा ज़्यादा है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है, कैन सूप है, पिकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों में आपका सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम है वो ये सब चीज़ों को ज़्यादा मत लीजिए। बीपी अगर कम रहे तो आप ले सकते हो, पर ये प्रिजर्व फूड्स में एडेड जो नमक रहता है या इनको प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में जो नमक को डाला जाता है, सोडियम डाला जाता है, वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, बॉडी को नुकसान ही करता है, तो उसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स हो, जैसे बटर चीज़ है और कोई भी फ्राइड फूड्स है, उसको आप अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा तली हुई चीज़ों को आप खाओगे उतना लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होगा, जितना इनको आप बंद करेंगे उतना अच्छा है। अब लोगों का अगला आर्गुमेंट क्या होता है कि क्योंकि डाइट्री कोलेस्ट्रॉल का बहुत क्लियर कोरिलेशन आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ, उतना क्लियर कोरिलेशन नहीं देखा गया है, बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी है इस बारे में, तो लोग कई बार उसको डिस्कस करते हैं कि हम ले सकते हैं ऐसा लिखा है, पर एक्चुअल रियलिटी ये है कि डाइट्री कोलेस्ट्रॉल जो है आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का 15-20% वेरिएशन करती है। बॉडी में 70% कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो ट्राइग्लिसराइड से या कार्बोहाइड्रेट से या दूसरे फैट से बॉडी खुद ही बना लेती है, तो इसलिए आप बाकी सब चीज़ों को कट डाउन करेंगे तो ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो आपको मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। डाइट्री फैट से आप थोड़ा हद तक उसको कट डाउन कर सकते हैं। वही एग योक का भी है, एग योक का भी काफ़ी लोग हमको पूछते हैं कि अंडे का पीला भाग जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो उसको लेना है कि नहीं। हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं मत लीजिए, क्योंकि लगभग 200 ग्राम उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है और दिन भर में रिकमेंडेड जो है वो 300 मिलीग्राम है, तो बहुत ज़्यादा उसमें एक अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, बॉडी उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं पचा सकती, तो बेटर है कि आप उसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और कोई भी जूसेस या कोई भी इस तरह के पदार्थ है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जिसमें शुगर डाला हुआ है उसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ आजकल ये बोलती है कि शुगर इवन कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा बुरा है, शुगर इनफैक्ट फैट से भी ज़्यादा बुरा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो जो कीटो डाइट रिकमेंड करते हैं वो तो बोलते हैं फैट खाओ शुगर मत खाओ, क्योंकि शुगर खाने से ज़्यादा वेट बढ़ता है फैट के कंपैरिजन में। खैर कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है तो उसको आज उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप शुगर को एडेड ड्रिंक्स ले रहे हैं या शुगर एडेड फूड्स ले रहे हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से फूड स्टफ्स हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है तो उनको टॉपिक ढूंढने में दिक्कत आती है, उनके लिए रेगुलर बेस पर हम चैनल्स में सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, सब चीज़ के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाइए जिससे रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा और उससे रिलेटेड कंटेंट आप देख सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा बिना ढूंढने की मेहनत करें। और जो लोग सारे टॉपिक्स का पूरा डिटेल नहीं देखना चाहते, उनको लगता है यार हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है मैं पूरा डिटेल नहीं देखना चाहता, शॉर्ट में बताओ, तो उनके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स हम रेगुलर बेस पर अपलोड कर रहे हैं। ये सारे शॉर्ट्स भी प्लेलिस्ट पर डिवाइडेड है हमारे चैनल पर, और ये सारे शॉर्ट्स को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादातर सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाएंगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें।